खाने का टाइम हो गया हो और सब्जी तैयार ना हो तो हम भागते हैं चाय के साथ नमक मिर्च के पराठे बनाने की तरफ। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जितनी देर में आप अपने पराठे बनाएंगे उतनी ही देर में साइड बाय साइड आप एक बहुत ही टेस्टी, बहुत ही जल्दी बनने वाली पनीर की सब्जी भी बना सकते हैं। और ये सब्जी इतनी टेस्टी है कि सभी को बहुत पसंद आएगी और आपके घर में रेगुलर बना करेगी। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू नेहा स्पाइस गली। अगर सबको बहुत भूख लगी हो लेकिन सब्जी हमारी तैयार ना हो तो हमें सोचना पड़ता है कि फटाफट से क्या सब्जी बनाएं। इसी तरह की सिचुएशन में बनने वाली एक बहुत ही स्पेशल सब्जी है जिसे पनीर से बनाया है मैंने। ये सब्जी फटाफट बन जाती है, मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगेंगे इसे बनने में और खाने में बहुत टेस्टी है। तो शुरू करते हैं फटाफट बनने वाली पनीर और कैप्सिकम की सब्जी। पनीर एंड पेपर बनाने के लिए पहले एक पैन में तेल गरम करेंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे जीरा। जीरा डालने के बाद उसे क्रैकल होने देंगे और जब ये क्रैकल होना स्टार्ट हो जाएगा या चटकने लगेगा फिर हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज डालने के बाद हमें इसे बस एक क्विक सौते करना है, हमें इस प्याज को बहुत ज्यादा नहीं पकाना है। ये प्याज कच्चा कच्चा रहेगा तो इस सब्जी में बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा। इस प्याज को हम बस 2 मिनट के लिए सौते करेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर। टमाटर डालने के बाद हमें इसे एक अच्छा मिक्स देना है और टमाटर को हमें हल्का सॉफ्ट होने तक पकने देना है। इसमें मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगेंगे और 2-3 मिनट में ही ये टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे बेल पेपर्स। मैं यहाँ इसमें डाल रही हूँ ग्रीन, रेड और येलो बेल पेपर्स। ये तीनों बेल पेपर्स डालना जरूरी नहीं है, अगर आपको सिर्फ ग्रीन पेपर मिल रही है तो आप वही ऐड कर लीजिए। ये अलग अलग कलर्स की बेल पेपर डालने से इसका टेस्ट तो अच्छा होता ही है, साथ ही इसे एक बहुत ही अच्छा कलर मिलता है। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, तो यहाँ मैंने डाला है टेस्ट के हिसाब से नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। ये सब मसाले डालने के बाद इन्हें इस तड़के में मिक्स करेंगे और हमें इन मसालों को लगभग 2 मिनट के लिए पकने देना है ताकि जो लाल मिर्च है उसका कच्चापन निकल जाए। जब इस लाल मिर्च का कच्चापन निकल जाएगा फिर मैं इसमें ऐड करूंगी 1 चम्मच टमेटो केचप। आप इसमें टमेटो केचप जरूर ऐड कीजिएगा क्योंकि टमेटो केचप इसके टेस्ट को और बढ़ा देगी। अब टमेटो केचप को ऐड करने के बाद इसे मैंने 30-40 सेकेंड तक पकाया है और फिर मैंने इसमें डाला है छोटे छोटे क्यूब्स में कटा हुआ पनीर। पनीर को आप यहाँ चाहते हैं तो थोड़ा लंबा लंबा भी काट सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे बाइट साइज रखेंगे तो ये बहुत अच्छा लगेगा। पनीर ऐड करने के बाद इसे बस हमें 2 मिनट के लिए पकाना है और लीजिए हमारा पनीर तैयार है। अब हमारी ये पनीर की सब्जी तो रेडी है, तो चलिए इसे एक फाइनल टच देते हैं और इसमें ऐड करते हैं ताजा कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया इस सब्जी को एक बहुत ही अच्छी फ्रेशनेस देगा। हरा धनिया डालने के बाद उसे एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और लीजिए हमारी झटपट बनने वाली पनीर और पेपर की सब्जी एकदम तैयार है। है ना ये बहुत ही क्विक सब्जी। जितनी देर में आप अपने पराठे बनाएंगे उतनी देर में आपकी ये सब्जी भी तैयार हो जाएगी। अब जब भी आप खाना बनाने में लेट हो रहे हो और टाइम बहुत ही कम हो तो इस सब्जी को जरूर ट्राई कीजिएगा और ये मेरा आपसे वादा है कि आपको ये सब्जी बहुत पसंद आएगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप इसे एक थम्स अप जरूर देंगे। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स दिए हैं जहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह की और इजी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।